गौर से देखने पर ही दिखता है ये गांव। लेकिन दोस्तों, कली दशहरा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस मार्च को ये फिल्म रिलीज करने वाले हैं। इसी मार्च 30 को ये मूवी फिल्म हॉल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको श्रीकांत ओरेला ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों चलिए इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यूज जान लेते हैं। तो दोस्तों, दशहरा एक एक्शन पीरियड ड्रामा मूवी है, जिसमे नेचुरल स्टार नानी और कीर्ति सुरेश मेन रोल पर देखने को मिलेगा। जब मैंने इस मूवी के फर्स्ट टीजर देखा, उनके लुक्स तो बिल्कुल पुष्पा की तरह दिखाई दे रहा था, और फिल्म में उनके लुक सिर्फ पुष्पा की तरह दिखाई देने वाले हैं, और फिल्म के स्टोरी तो और कुछ है। टीजर से ही पता चला था कि नानी इस मूवी में बहुत खतरनाक एक्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। टीजर के एक महीने बाद यानी कि कल शाम 5 बजे इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया है, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में रिलीज किया गया है। पर मैंने इस मूवी के हिंदी ट्रेलर देखा। जब मैंने इस मूवी के ट्रेलर देखा तो बहुत खतरनाक लगा। नानी के एक्शन सीन के साथ साथ कॉमेडी भी है, और नानी इस मूवी में फुल फोकस करके फिल्म बनाई होगी, क्योंकि उनको इस मूवी में एक्सप्रेशन के साथ साथ दमदार एक्शन सीक्वेंस में भी देखने को मिल रहा है। ट्रेलर देखने से सिंपल लग रहा है, रिच पर्सन वर्सेस पुअर पर्सन, पर इस फिल्म की स्टोरी तो एक कोयले के खजान पर आधारित है। दोस्तों KGF में गोल्ड के खजान, पुष्पा पर लाल चंदन, ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी होने वाले है। मुझे तो इस ट्रेलर के जो कलर ग्रेडिंग है और इसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद आया। दोस्तों ये पैन इंडिया मूवी में रिलीज करने वाले हैं, जो 30 मार्च को रिलीज होने वाले हैं, और उसी दिन अजय देवगन की भोला मूवी भी आने वाले हैं। तो दोस्तों अब भोला वर्सेस दशहरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा, अब आएगा मजा। भोला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई इफेक्ट पड़ता है और नहीं, देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भोला और दशहरा में कौन से मूवी देखोगे कमेंट करके जरूर बता देना। भोला एक ऐसी मूवी के रीमेक है और दशहरा नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिगेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।